सबसे ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। आज हम पर्स बनाने वाले हैं, पर्स फॉर लिटिल गर्ल, मतलब छोटी लड़कियों के लिए पर्स बनाने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट इसलिए ज़्यादा यूज़फुल है कि इसके अंदर हम लोग स्क्रैप यान यूज़ करेंगे, जो बचे हुए टुकड़े होते हैं यान के ऐसे छोटे छोटे से, तो उसको यूज़ करके बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या लगेगा, एक 5 mm का हुक लगेगा और कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं या तो मेरी तरह आप यान भी यूज़ कर सकते हो। और आपको 5 से 6 कलर लगेंगे इसमें। मैं ये वाले यान के कलर यूज़ करने वाली हूँ, ग्रीन, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो और स्काई ब्लू, ये वाले मैं यूज़ करने वाली हूँ। और आप अपनी पसंद से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और जो छोटे छोटे बच जाते हैं उसका यूज़ कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे लास्ट वीडियो में अब ये मैजिक लूप से मैंने एक फ्लैट सर्कल बनाया है। ये बनाने के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो रेफर कीजिए, हाउ टू मेक सर्कल फ्रॉम मैजिक लूप, और उसके राउंड 1 और राउंड 2 को उसको फॉलो कीजिए। फिर भी मैं बता देती हूँ, मैंने मैजिक लूप बनाया है। मैजिक लूप के अंदर सबसे पहले 12 डबल क्रोशे बनाए हैं, फिर यहाँ पर स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लिया है। फिर नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, राउंड में चेन 3 बनाना है, और हर एक चेन में मतलब हर एक डबल क्रोशे में हमको 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं, मतलब पहले में 12 हो जाएगी, दूसरे में 24, और ऐसे काउंट करेंगे तो पहले में चेन 3 और 11 डबल क्रोशे, इसमें चेन 3 और 23 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए आप मेरा लास्ट वाला वीडियो रेफर कीजिए। और इसके आगे अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर जब सर्कल एंड होता है तो ऐसे लूप बचता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो हमको नेक्स्ट कलर चाहिए, ये 2 राउंड होने के बाद में हम 3rd राउंड में एक नेक्स्ट कलर, दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने की टेक्निक देख लीजिए, और आप कोई भी टेक्निक से अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, मैं ये प्रेफर करती हूँ। ये लूप है और इसमें भी लूप है, तो ये लूप में हुक डालें, इस तरह से पकड़े और इसमें से इसको निकाल दें। अब इसमें एक गांठ रह गई है तो इससे इसको टाइट करते हैं, ऐसे दोनों को टाइट कर लें इस तरह से। और इसे चाहिए तो अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो एक नॉट ऐसे बांध दे, या 2 नॉट बांध के इसको टाइट कर दे। ये फिक्स हो गया है यहाँ पर, और हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट राउंड, जो हमारा 3rd राउंड है न्यू कलर से। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें हर जो ये स्पेस है, ये इसमें ये जो चेन्स है हमारी, इसके अंदर हमको ट्रिपल क्रोशे बनाते जाना है। तो आपको इतना ज़्यादा काउंट नहीं करना पड़ेगा, ट्रिपल क्रोशे बनाने से पहले चेन 4 बनाए, 2, 3, 4, चेन 4 बनाने के बाद में आपको 2 बार रैप करना होता है ट्रिपल क्रोशे, जो मैंने मेरे पहले वीडियो में बेसिक स्टेप्स में बता चुकी हूँ कि इसमें नेक्स्ट हमारी जो चेन है उसमें हम जाएंगे और इसमें एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 2 बार निकाले, ये 3rd बार निकाले, इसलिए ट्रिपल क्रोशे भी बोलते हैं इसको। फिर ये एक ट्रिपल क्रोशे के बाद चेन 1 करेंगे, फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हमें ये 2 बार रैप करना है ट्रिपल क्रोशे के लिए। और सबसे पहले हम अभी हम जो बना रहे हैं ये फर्स्ट फ्रंट फ्लैप बना रहे हैं, जो सिर्फ एक ही लगेगा पर्स के लिए। ट्रिपल क्रोशे, चेन 1 बनाए, फिर से नेक्स्ट चेन में जाके ट्रिपल क्रोशे, 1, 2, 3 चेन 1। तो देखिए इसे ये पूरा यहाँ तक हमें सेम यहाँ तक करना है, और यहाँ पर आगे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है इसे। तो आप ऐसे करते जाएं, ट्रिपल क्रोशे, चेन 1, इन ईच डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, चेन 1।
चेन वाली। ये लास्ट तक यहाँ पर ये स्टेप करें। आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रिपल क्रोशे और चेन वन से ये मेरा राउंड थर्ड राउंड कंप्लीट कर दिया है। ये मेरा लास्ट ट्रिपल क्रोशे और चेन वन है। अब ये इस पर कैसे करना है, ये चेन फोर के एकदम टॉप पे जाना है, ये यहाँ पर, और हमें स्लिप स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगा के हम इसके ऊपर आ गए। अभी हमें कलर चेंज करना है, तो हम इसको यहाँ से काट देंगे और हमारा जो नेक्स्ट कलर है वो मैं रेड सिलेक्ट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कलर लें, वैसे ही सेम करें। इसमें जब भी हम नया राउंड शुरू करते हैं हमें टर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ सामने फ्रंट में ही करना है। मतलब एक ही हमारी राइट साइड आएंगी और एक रॉन्ग साइड आएंगी हमारी, ऐसे करने से। तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर लें इसे। पीछे टाई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट राउंड में हम क्या करने वाले हैं कि हाफ डबल क्रोशे, हर ये जो चेन वन स्पेस बनाए हैं उसमें दो हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप में चेन टू करेंगे, और ये जो फर्स्ट स्पेस है हमारी इसमें जाके हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए एक बार यान को लगा के और ऐसे तीन लूप में से डायरेक्ट निकालना पड़ता है। इसके लिए भी आप मेरे पहले के वीडियो रेफर कर सकते हैं। हाफ डबल क्रोशे, देखिए पहले ऐसे रैप किया, इसमें गए, फिर से रैप किया, तीन लूप आ गए, फिर से रैप करके तीनों में से निकाल दिए। पूरे यहाँ तक हमें ये सर्कल में पूरा यही राउंड फॉलो करना है, सेम यही स्टेप फॉलो कीजिए और लास्ट तक आइए और स्लिप स्टिच के जरिए ज्वाइन कर दें। ऐसे पूरे राउंड में बना दीजिए, यही रिपीट करते जाए आप। टू डबल क्रोशे चेन वन स्पेस में पूरा यहाँ तक लाइए आप करके। आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। वन ट्रिपल क्रोशे और चेन वन स्पेस में हमने टू हाफ डबल क्रोशे बनाकर ये राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया है। और ये जो चेन टू हमने स्टार्टिंग में बनाए थे उसमें देखो ऐसे हुक डाल के स्लिप स्टिच लगा लेंगे और ये राउंड को एंड कर दिया इस तरह से, और ऊपर एक लूप बच गया तो हम इसे काट देंगे।
और अभी हम नेक्स्ट ये कलर ज्वाइन कर रहे हैं जो मेरे पास थोड़ा सा बचा था, वही यूज़ कर रही हूँ मैं। आपने देखा है कि हमने ऐसा टर्न नहीं किया, हम सिर्फ फ्रंट में करते जा रहे काम, आपको भी वैसे ही करना है, सिर्फ पुल करके ऐसे लॉक कर दे। ये न्यू ऊन से हमें कलर के ऊन से चेन वन बनाना है और ये हर स्पेसेस में जो हमारे हर जो चेन है, जितनी भी चेन है, हर चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। एक पूरे सर्कल के जो ये राउंड में हमें हर चेन में एक सिंगल क्रोशे की हम रो बनाएंगे, बस ये राउंड में हमें सिंगल क्रोशे बनाते जाना है, सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। और सिंगल क्रोशे के लिए मैंने ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे बनाते हैं, फिर भी देख लीजिए, ऐसे हुक डालना है, ये दो लूप आएंगे इसमें से निकालना है इस तरह से, नेक्स्ट चेन में जाए। अब इस तरह से पूरे सर्कल में यहाँ तक आके स्लिप स्टिच लगाएंगे और काटेंगे और दूसरा कलर का थ्रेड ऐड करेंगे। आप भी ऐसे कीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला राउंड भी पूरा कर दिया है, हमारे 1, 2, 3, 4, 5 राउंड पूरे हो गए। ये राउंड में हमने सिंगल क्रोशे हर एक चेन के अंदर बनाए और जबकि चेन वन जो स्टार्टिंग में बनाए थे उसमें स्लिप स्टिच लगाए और एक नया कलर ऐड कर दिया उसके टॉप पर। अभी हम बनाने जा रहे हैं हमारा 6th राउंड। 6th राउंड में हमें क्या करना है कि पहले चेन टू बनाना है हमें, और उसके बाद में हमें सिर्फ बैक, ये जो सिंगल क्रोशे उसके बैक लूप में काम करना है, ऐसे थोड़ा सा टर्न कर दें और हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है बैक लूप में जाके ऐसे। ये जो पीछे के जो दो लूप आएंगे ये उसमें जाके हमें काम करना है पीछे की चेन से ऐसे इस तरह से। 3 है हाफ डबल क्रोशे के लिए, तीनों में से इस तरह से पास कर दें, रैप करें। ये देख सकते हैं ये फ्रंट में चेन आ रही है, ये नहीं, ये छोड़ के पीछे जाएंगे हम, पीछे जाकर ऐसे करने से बैक लूप में काम करने से एक अच्छी सी एक राउंड बनता है जिसमें एकदम बारीक से राउंड आगे दिखाई देता है जो अच्छा लगता है। तो ये देख रहे कि ये सिंगल क्रोशे स्ट्रेट होते जा रहा है, एकदम स्ट्रेट सर्कल जैसा बनेगा। रैप करें। अगर आप ये दो लाइन में नहीं जाना चाहते हैं ये और ये, तो आप सिर्फ एक ही लूप में भी काम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपके लिए इजी है तो आप वो कीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर मुझे ये वाला स्टेप पसंद है।
पहले इसमें गए, फिर देखे दोनों ये विजिबल दिखाई देते हैं कि एक ये, तो इसमें से चले गए। एक पूरी चेन है जो बैक साइड है, फिर से देखे फर्स्ट में गए लूप में, फिर ये बैक इस तरह से कि ये दो लूप और ये पीछे से हम बैक में गए, रैप करें ऐसे। बस फिर से देखिए फ्रंट में चेन दिखाई दे रही है, ये एक लूप फ्रंट लूप छोड़ना है, ये बैक लूप है, ये या तो इसमें काम करे या ये दोनों लूप में काम करे, दोनों में मिला के हाफ डबल क्रोशे बनाए और यहाँ पर आके एंड कर दे स्लिप स्टिच के जरिए और नया कलर चेंज करे। आप देख सकते हैं कि हमने 6 राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर स्लिप स्टिच से हमने एंड किया और यहाँ पर न्यू कलर ऐड किया है और इसके ऊपर अभी हम लास्ट राउंड बनाने जा रहे हैं जो सबसे लास्ट राउंड रहेगा। लास्ट राउंड में हमें सबसे पहला चेन 3 बनाए, हम 6 डबल क्रोशे के शेल बनाने वाले हैं लास्ट राउंड में, तो हम बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। ये स्पेस जहाँ से हमने शुरू किए वहाँ पर पहले 5 बना देंगे हम पहले ही उसमें, क्योंकि चेन 3 को हम एक स्टिच की तरह काउंट करेंगे कि वो डबल क्रोशे है। 1 2 और स्पेस में जाके काम करना है आपको। हमें 6 चाहिए टोटल शेल बनाने के लिए। अभी हमें क्या करना है, ये जब 6 डबल क्रोशे हो जाएंगे तो हमें एक चेन को स्किप करना है एक स्पेस को और ये जाके नेक्स्ट चेन जो रहेगी हमें वहाँ पर जाके एक सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे बनाए फिर एक चेन को छोड़ देंगे हम, फिर जाके नेक्स्ट में जाके 6 डबल क्रोशे स्पेस में बनाएंगे, ये जो गैप बनता है उसमें जाके बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक शेल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये शेल के बाद में ये जो नेक्स्ट दिख रहा है ये छोड़ेंगे स्टिच और यहाँ जाके हम सिंगल क्रोशे बना देंगे ताकि इस शेल को हम लॉक कर दें इस तरह से। फिर से हमें वही करना है, ये वाला छोड़ना है एक स्पेस और फिर नेक्स्ट स्पेस में हमें जाकर 6 डबल क्रोशे बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, 6 डबल क्रोशे बना के एक शेल बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाला स्किप कर रहे हैं स्टिच और उसके नेक्स्ट में जाके सिंगल क्रोशे बना रहे हैं, फिर सिंगल क्रोशे के बाद भी जाके एक हम स्किप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में जाके 6 डबल क्रोशे ये फॉलो कर रहे हैं हम। ये हमारा फाइनल राउंड है फ्रंट फ्लैप का, ठीक है। और अगर ये कर्व हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको एक दिन के लिए बुक में फ्लैट करके रखेंगे तो एकदम परफेक्ट एकदम फ्लैट हो जाएगा। इस तरह से शेल बनाएंगे आप। ये बनाए, इसके नेक्स्ट को छोड़े, फिर ये नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशे करें
फिर ये नेक्स्ट छोड़े, फिर से ये नेक्स्ट में जाके 6 डबल क्रोशे, पूरे सर्कल में ये बनाकर हमें एंड कर देना है बस। एक शेल कंप्लीट, फिर ऐसे करके देखे ये छोड़ना है, नेक्स्ट में जाके सिंगल क्रोशे, फिर एक स्किप करना है, फिर ये नेक्स्ट स्पेस है इसमें जाके फिर से 6 डबल क्रोशे। ये एक्चुअली ऊन से बना रहे हैं इसलिए इतना कर्व हो रहा है, बाद में स्ट्रेट भी हो जाएगा, पर अगर आपके पास कॉटन के ऐसे थ्रेड हो गए तो वो यूज़ करना, तो उसमें ये ऐसे राउंड ऐसे नहीं होता है उसमें। ये एक स्किप करें, नेक्स्ट में जाके सिंगल क्रोशे, फिर स्किप करें और यहाँ पर डबल क्रोशे, इस तरह से आप पूरे सर्कल में बनाएं, यहाँ पर आके स्लिप स्टिच लगा के एंड कर दें और इसको काट दे थ्रेड को, और ये जो पीछे जो सारे थ्रेड रह गए उसको एक हाइट कर दे पीछे इसके, और इसको एक दिन के लिए कुछ देर के लिए वजन रख कर बुक में रखना है। ये हमने राउंड 7 फाइनल राउंड फ्रंट फ्लैप का कंप्लीट कर दिया है और यहाँ से ऊन को काट दिया है। अब इसे पीछे रहेगा तो ये रॉन्ग साइड है, ये दिखाई देने वाला नहीं है, फिर भी हमें ये सारे ऊन को एक दूसरे से टाई करके एक रो में लेकर काट देना है ताकि हमारा प्रोजेक्ट एकदम क्लीन दिखाई दे। तो आप ये बनाइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पर्स के दोनों हम फ्रंट और बैक बनाना सिखाएंगे आपको।